अगस्त का महीना खत्म होने को है और इसके साथ ही मॉनसून भी अपने अंतिम पड़ाव पर है। बिहार में सितंबर तक मॉनसून की बौछारें जारी रहती हैं, लेकिन इस बार मॉनसून की सक्रियता कल से घटने लगेगी। आज के बाद बिहार में बारिश की स्थिति में कमी आ सकती है। पटना स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार आज बिहार के कई जिलों में अच्छी बारिश होने वाली है, जिसमें से कुछ जिलों में भारी बारिश की भी संभावना है। बिहार के 6 जिलों में आज भारी बारिश हो सकती है। भोजपुर, सारण, वैशाली, मुंगेर, बांका और भागलपुर जैसे जिलों में आसमान से बरसने वाली यह बारिश फसलें, सड़कें और नदियों का हाल बदल सकती है। वहीं पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सीवान और सारण जैसे जिलों में मध्यम बारिश की संभावना जताई जा रही है। इन जगहों पर भी बारिश का सिलसिला पूरे जोर पर रहेगा, जिससे जनजीवन पर असर पड़ सकता है। मौसम विज्ञानियों का कहना है कि झारखंड और उसके आसपास बने निम्न दबाव का क्षेत्र धीरे धीरे कमजोर हो रहा है और इसी के चलते बिहार में बारिश की गतिविधियां घटने वाली हैं। मॉनसून की अक्षीय रेखा भी उत्तर पश्चिम झारखंड से बंगाल की खाड़ी तक खिंच चुकी है, जिससे बिहार के कुछ हिस्सों में आज के बाद बारिश का प्रभाव कम होता जाएगा। मगर ध्यान रखें कि यह मॉनसून की विदाई का पहला संकेत हो सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि आधिकारिक तौर पर सितंबर के पहले पखवाड़े में मॉनसून की विदाई होती है, लेकिन इस साल इसका असर जल्दी दिखने लगा है। बिहार के पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सीवान, सारण, वैशाली, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, मधुबनी, दरभंगा, सीतामढ़ी, शिवहर, समस्तीपुर, पटना, जहानाबाद, नालंदा, नवादा, शेखपुरा, लखीसराय, गया और बेगूसराय जिलों में आज मध्यम बारिश हो सकती है। भोजपुर, बक्सर, अरवल, रोहतास, भभुआ और औरंगाबाद में मध्यम से तेज बारिश की संभावना है। बाकी जिलों में हल्की बारिश का पूर्वानुमान है, जो जल्द ही बंद हो सकती है। क्या बिहार के लोग अब राहत की सांस लेंगे या यह बारिश कुछ और दिनों तक प्रदेश को भिगोती रहेगी? यह सवाल अब हर किसी के मन में उठ रहा है, लेकिन एक बात साफ है, मॉनसून की विदाई जल्द ही होने वाली है। इस विदाई के साथ बिहार में धीरे धीरे मौसम का मिजाज बदलने लगेगा। अब देखना यह होगा कि अगले कुछ दिनों में बारिश का असर कितना रहता है और क्या यह मॉनसून अपनी अंतिम दस्तक देने के बावजूद कोई और रिकॉर्ड तोड़ने का इरादा रखता है। बिहार के लोगों को अब मॉनसून के इस आखिरी खेल का इंतजार रहेगा। लोकल 18 के लिए पटना से सच्चिदानंद की रिपोर्ट।